अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिशा। यार मुझसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये किया जा रहा था कौन सा फोन बाय करें जिसके अंदर परफॉर्मेंस भी अच्छी रहे पबजी की और फोन भी ठीक हो यार, कम से कम कैमरा शैमरा भी चलने का लायक हो, तो ऑफिशियल पीडीए भी फोन होना चाहिए। तो ये ढूंढना मेरा काम है, मैंने आपको सजेस्ट करना कि यार आप ये वाला फोन बाय कर ले। यार वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मेरे पास आज फोन है जी एक R5 का और दूसरा मेरे पास है जी सैमसंग S20 Plus। नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। तो सबसे पहले यार मैं R5 के मुतालिक बता चुका हूँ, S20 Plus के मुतालिक मैं थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन आपको बता दूंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे जो नए आने वाले हैं और बेल आइकन वाला बटन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास भी यार इस तरह की मजीद जो है अपडेट्स आ सके। तो जी सबसे पहले मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ, 6.7 इंच का डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद हमें पिक्सल इसके अंदर 1440 देखने को मिलते हैं, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 हमें देखने को मिलता है, ऑलवेज डिस्प्ले इसके अंदर दिया गया है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलती है, IP68 डस्ट वाटर रेजिस्टेंस हमें इसके अंदर देखने को मिलता है, फ्रंट ग्लास भी अगर आप देखें तो यार वो भी हमें गोरिल्ला ग्लास ही देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड 10 के साथ इसको लॉन्च किया था, एक्सिनोस चिपसेट के साथ भी आपको देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको क्वालकॉम प्रोसेसर भी देखने को मिलेगा। जहां क्वालकॉम प्रोसेसर की बात आती है तो हर बंदा ये सोचता है कि यार ये गेमिंग फोन है। क्वालकॉम प्रोसेसर इसलिए मार्केट के अंदर ज्यादा इन हुआ क्योंकि ज्यादातर टेक जितने भी हैं उन्होंने यही बताया कि यार 865 855 888 8 Gen 1 8 Gen 2 ये सबसे ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन बात ये है कि यार एक्सिनोस के चिपसेट भी अच्छे हैं, डायमेंसिटी के भी प्रोसेसर अच्छे हैं, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर जो है स्नैपड्रैगन क्वालकॉम को प्रेफर किया जाता है कि यार ये वाले प्रोसेसर अच्छे हैं, मैं भी ज्यादातर क्वालकॉम प्रोसेसर ही यूज करता हूँ। तो जी दूसरी बात यह है कि जी इसका एंड्रीनो ग्राफिक कंट्रोलर के लिए जी 650 दिया गया है, 865 क्वालकॉम चिपसेट के साथ दिया गया है। इस टाइम मेरे पास जो फोन मौजूद है S20 Plus यदि CPID के अंदर आपको देखने को मिलेगा 70-75 हजार के राउंड अबाउट आपको ये फोन जो है CPID के अंदर देखने को मिलेगा। फोन आपको पता है ब्रांड है सैमसंग है, तो वो काफी ज्यादा इसके प्राइस जो है वो लॉन्च करता है। आप ये देखें कि यार सैमसंग आजकल करके रहा है A34 वगैरह जैसे मोबाइल, यार वो लाख लाख सवा सवा लाख वाले फोन, यार आप ये देखें कि यार वो फोन बनते ही नहीं है, कसम से बंदा लाले लितर ते बस समझ ना लगे इन्हां दे फोनां नूं, गजब बेइज्जती है। तो बस इसी तरह यार कम से कम ए सीरीज बक सीरीज कर दी है इन्होंने, एस सीरीज जो है वो काफी अच्छी सीरीज थी, मैं अगर यूज करना भी चाहूं तो यार मैं एस सीरीज को ही प्रेफर करता हूं। कंट्रोल अब ये देखें इसका मैं आपको स्कोर बताऊंगा और आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये इसका स्कोर N22 बेंचमार्क के ऊपर मैंने जब स्कोर लिया तो मुझे इसका स्कोर जनाब जी देखने को मिला है 597,224। अब कोई स्कोर इतना खासा मुझे देखने को नहीं मिला, जाहिर बात है 865 चिपसेट के साथ था, ग्राफिक कंट्रोलर आपको पता है ये 650 ही इसके साथ यूज होने थे, तो इसकी जितने भी पॉइंट्स मुझे देखने को मिले कोई इतने खास देखने को नहीं मिले, फोन भी 70-75 हजार का। R5 जो है हमारे पास जी देखने को मिलता है 12/256 GB वाला वेरिएंट है, इसके अंदर भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। इसके पॉइंट्स मैं जब आपको बताऊंगा तो यार आपने अब वाकई ही आपने सोच में पड़ जाना कि यार वाकई यार इत्तेशाम भाई सही बता रहे हैं कि यार इसका प्राइस अगर देख ले तो कोई यार आपको 35-40 हजार का जेन्युइन फोन और बिल्कुल फ्रेश फोन आपको देखने को मिलेगा। ऑफिशियल पीडीए के अंदर आधे आधे प्राइस का डिफरेंस आ गया, सिर्फ उसके साथ लगा जी सैमसंग डिस्प्ले उसका कर्व्ड है, इसका फ्लैट है, इतना डिफरेंस है। कुछ लोग कर्व्ड डिस्प्ले जो है वो ज्यादा पसंद करते हैं फ्लैट डिस्प्ले, मैं ज्यादातर फ्लैट डिस्प्ले को ही प्रेफर करता हूँ कि यार फ्लैट डिस्प्ले अच्छा है, बच्चों से भी बच जाता है, अगर नीचे गिरो तो यार कम से कम थोड़ी सी बचत हो जाती है ना। अच्छा ये फोन मैं साथ में ये बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अगर आपने इस फोन को लेना तो किस वजह से लेना है, अगर नहीं लेना तो आपने किस वजह से नहीं लेना, वो चीजों की एहतियात भी जरूरी है। देखिए जी सबसे पहले 12GB 256GB के साथ हमें देखने को मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमें देखने को मिल जाता है, पबजी के अंदर भी FPS आपको 90 FPS देखने को मिलते हैं। इसके पॉइंट्स अगर मैं देखूं ना N22 बेंचमार्क के ऊपर उसकी निस्बत, उसके 597,000 समथिंग थे, इसके पॉइंट्स ये हैं 752,231 पॉइंट देखने को मिले। अब फोन ये बताएं कि N22 बेंचमार्क के ऊपर आपको पता है कि यार वो एक दफा कम से कम फोन की जान निकाल देता है टेस्टिंग के ऊपर, आप ये फोन बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये फोन बाय नहीं करना तो किस वजह से नहीं करना, इसका पार्ट्स जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है इस टाइम, वो इस वजह से नहीं है क्योंकि इंपोर्टर जो है वो पार्ट्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहा इस टाइम। अगर किसी इंपोर्टर को अगर समझ आ गई कि हाँ यार इनके पार्ट्स मार्केट के अंदर मंगवा लें तो अब ज्यादा बेहतर है क्योंकि अब काफी लोगों की जरूरत बन चुकी है।
शार्प एक्वास के काफी जो मॉडल्स हैं इनके अंदर यही मसला आता है कि जी इनके टच जो है वो चलना बंद कर देते हैं। कि जब आपने फोन को बाय करना है, अगर आपको एक बंदा 28-30 हजार का फोन अगर सेल कर रहा है तो आपने ये मेक श्योर रखना है कि यार वो फोन का टच बिल्कुल सही से वर्क कर रहा हो, स्मूथ चल रहा हो। अगर एक बंदा 33-35 हजार आपको डिमांड करता है कि यार हमें ये फोन चाहिए, मैं आपको इतने का फोन सेल करूंगा, तो इसका मतलब है कि यार उसका फोन 110% सही होगा। लेकिन आपने फिर भी फोन को तसल्ली करनी है, उसका टच देखना, अगर कहीं भी आपको हल्का सा लगे कि इसका टच सही से वर्क नहीं कर रहा तो आपने फोन को छोड़ देना नहीं। फोन को बच्चों से संभाल के रखना है। वो आपने अक्सर एड नहीं देखी, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तो जी ये बच्चों की पहुंच से दूर रखना क्योंकि इसके पार्ट्स नहीं मिलते। परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी, 90 FPS आपको पबजी के अंदर देखने को मिलेगा। प्रेफर इसी को करूंगा निस्बतन आप वो 70-75 हजार के अंदर फोन वो वाला ले, आप ये वाला फोन ले और इतिहास से इस फोन को यूज करें, काफी अच्छा मॉडल है। तो इंशाल्लाह अगर आपको किसी और फोन के मुतालिक जानना हो तो यार कमेंट्स में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ मैं आऊंगा। आपको पता है हफ्ते के अंदर 2 वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी हैं, तो वो अब मेहनत ज़रा ज़्यादा लगती है और गला भी जो है वो थक जाता है बोल बोल के। तो जी इंशाल्लाह जल्द नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।